के वार्ड नंबर 4 भाजपा पार्षद लक्ष्मी कोरी की लापरवाही से जनता परेशान। वार्ड नंबर 4 ग्वालटोली राजू यादव कंट्रोल के सामने महीनों से पड़ा जलभराव, दो बहुत बड़े गड्ढे और रोड पर अवैध कबाड़ की दुकान से जनता परेशान। जनता ने बार बार पार्षद लक्ष्मी कोरी को अवगत कराया, लेकिन पार्षद लक्ष्मी कोरी ने अभी तक संज्ञान नहीं दिया। बड़े गड्ढे होने के कारण कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। क्षेत्र की जनता कर रही है जलभराव से निजात का इंतजार और फुटपाथ पर कबाड़ से दुकान हटाने का इंतजार। दुकान कॉर्नर से लो तो समझ में आएगा। विजुअल बना लो, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते ही 12/27 12 जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ रहते हैं आप? ग्वालटोली इराना। ये आपके पार्षद का क्या नाम है? क्या नाम है? लक्ष्मी कोरी। लक्ष्मी कोरी जी। जी ये जो आप जो शिकायत ये कर रहे हैं गंदगी, इसके क्या क्या मतलब है आपका, बताइए हमको इसके बारे में। एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ियाँ गिर जाती है, पब्लिक को चोट काफ़ी आ जाती है अक्सर। छोटे बच्चों का डर रहता है गिरने का, कोई जैसे ना हो तो चीज़ें तो कोई सुनता भी। यहाँ से कोई निकले, छोटा बच्चा निकले अंदर गिर जावे, कोई देखने वाला ना हो तो क्या हादसा। गड्ढे तो शायद बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं, बड़े बड़े गड्ढे यार, आप खुद ही उसको अनुमान लगा सकते हो उसमें अंदर कितने। आप लोग ने पार्षद जी से कुछ कहा है? अरे कंप्लेंट करने से कोई सुनता है? पार्षद के अलावा भी ऊपर भी कंप्लेंट करते तो कोई। कल परसों जल निगम वाले भी 2-3 लोग इधर आए थे, हमने देखा था। 2-3 लोग आके देख के चले गए, बोला वो तो 2.5 साल से भैया तो डर रहा है। तुम प्रशासन के लोग हो, तुम आके एक बार अगर नज़र पड़ भी गई है, अगर कंप्लेंट किया हुआ है तो उसको फॉलो करो। और सुनने वाला कौन है आजकल भाई, सब अपने अपने में लगे हैं खाने पीने में। भाई कहने आएगा, जब हादसा घटेगा तब देखा जाएगा, आगे कोई नहीं सुनता भैया। यहाँ पे 2 गड्ढे ऐसा नहीं, एक नहीं 2 गड्ढे है। खुद देख लीजिए, बच्चे को डर रही था, बड़ों तो चलो क्या है, बाइक से गिरा अपना उठ के चला गया, गिर गए उनको काफी चोट आई। बाकी छोटे छोटे बच्चों का बहुत डर रहता है, स्कूल जाते, कोचिंग जाते बच्चे, बाजार जाते, मार्केट का ये तो मेन रास्ता है ना, 4 रास्ते का आदमी जाता आता है निकलता है, बहुत डर है भैया। बड़ी गाड़ी अगर कोई निकल ले छोटा वाहन है तो गिर जाता है। यहाँ पे इतना है, यहाँ पे आए दिन घटना हुआ करती है, और आज जो है गड्ढा अच्छा खासा यहाँ बढ़ाएगा, एक आदमी पूरा डूब जाए। बहुत ही लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। नगर आयुक्त से, नगर निगम से सबसे जो है गुजारिश है कि उसको जो है करवाए, वरना हादसे का इंतजार आप कर रहे हो तो बात अलग है। पब्लिक फिर जो है बड़ी जो है एक अभी अंकल जी रहते इधर, हमको नाम नहीं जानते, पर वो जल निगम वाले को उनको बता बुला के भी लाया था, कल की बात है। उसने देखा, उसने बताया भी कि मतलब ये दो ढाई साल से वही रहा, तो 2-2.5 साल से अगर वही रहा है तो उसको तो हम बोलो ना, तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है। अगर आम पब्लिक है उसको नहीं पता कि भाई कहाँ से क्या चीज़ ये है, अगर आप निकलते हो तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है तो आप उसको बता सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई हादसा घटे जिसके बाद तुम लोग उधर सुनवाई करो, ऐसा नहीं है। पर कोई सुनने वाला ही नहीं, सामने भी अगर रहता है कोई अगर, तो अगर बड़ा वाहन निकला छोटा वाहन तो गिर ही जाता है, तो उसको अगर पता नहीं है, और परिचित आदमी अगर निकला तो उसको नहीं पता रहता कि आगे गड्ढा है, बच्चे डूबने का खतरा। जो बाहर का आदमी रहता है उसको पता है तो रुक जाता है, अगर कोई सुनने वाला है ही नहीं।